फ्रेंड्स, वेलकम इन अमेज ज्ञान। जब मन में हो विश्वास तो हर डर है बकवास। हमारे चैनल का मोटिव है कि हम स्टूडेंट्स की लाइफ को इजी बनाना चाहते हैं और आशा करते हैं इसमें आप हमारा साथ देंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप नीट एग्जाम के लिए फिजिक्स की तैयारी कर सकते हैं और 150 प्लस या फिर उससे ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, अगर आप चाहें आपको मेरी बताई हुई स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और आपके 150 प्लस या उससे ज़्यादा मार्क्स आ जाएंगे। मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे फिजिक्स से इतना डरते हैं कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को वो छोड़ देते हैं, पढ़ते ही नहीं हैं, या फिर बच्चे फिजिक्स से इतना डरते हैं कि सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ते रहते हैं। तो ये दोनों ही एक्सट्रीम्स आपके लिए खतरनाक है, आपको इन दोनों पे ही नहीं जाना है। आपको सबसे पहले अपने तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना आना चाहिए, तीनों को इक्वल इम्पॉर्टेंस दें। आप जैसा कि जानते हैं कि बायोलॉजी आपका 360 कंटेन करता है और फिजिक्स केमिस्ट्री 180 एंड 180। फिजिक्स इंपॉर्टेंट है आपकी रैंक के लिए, सो आप उसको नेगलेक्ट भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको सारे सब्जेक्ट में बैलेंस बनाना आना चाहिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि कैसे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, आपके पेपर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और कौन सी बुक बेस्ट है फिजिक्स की तैयारी करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट हम बात करेंगे कि कैसे आप इजीली 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। नीट एग्जाम के अंदर फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट 15 टू 20 क्वेश्चंस जो होते हैं वो डायरेक्ट एनसीईआरटी थ्योरी और फैक्ट बेस होते हैं। अगर आप हर चैप्टर की रीडिंग अच्छे से करते हैं एनसीईआरटी से, सो आप इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। इसलिए एक बार एनसीईआरटी से हर चैप्टर की रीडिंग करिए। सेकंड, 15 टू 20 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो न्यूमेरिकल और डेरिवेशन बेस्ड होते हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एनसीईआरटी के सारे न्यूमेरिकल्स करने हैं, एग्जांपल्स को करना है और डेरिवेशंस को अच्छे से समझ के करना है। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते फिजिक्स के, तो उस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है जो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। थर्ड, 5 to 10 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड होते हैं। ये क्वेश्चंस उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जो टॉप 1 या 10 की रैंक में होते हैं, जो इस रेस में होते हैं उन्हीं के लिए क्वेश्चंस होते हैं। अगर पेपर बहुत डिफिकल्ट है फिजिक्स का, तो मैक्सिमम 7 to 8 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं पेपर के अंदर, लेकिन ओवरऑल आप 150 प्लस बड़े आराम से स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे एक बार टॉपिक को या चैप्टर को पढ़ने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये बहुत रॉन्ग तरीका है पढ़ने का। आप कोचिंग लेते हैं या फिर आप सेल्फ स्टडी करते हैं या फिर ऑनलाइन स्टडी करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस टॉपिक को पढ़ने के बाद या चैप्टर को पढ़ने के बाद आपको सबसे पहले उसको एनसीईआरटी से प्रॉपर रीड करना चाहिए। रीड करने के बाद उसके सारे फॉर्मूलाज को एक लिस्ट बनानी चाहिए, A4 साइज शीट लीजिए या फिर कैसी भी शीट लीजिए और शॉर्ट नोट के तरह उस सारे फॉर्मूला वो जो चैप्टर के अंदर दिए जाते हैं उसको लिख लीजिए। सारे फॉर्मूला को लिखने के बाद जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठे उस चैप्टर की, तो उस फॉर्मूला को देख देख कर करिए। जब भी आप क्वेश्चन करें उसको एक बार देख लीजिए फॉर्मूले को, फिर करिए। ऐसा करने से आपको फॉर्मूलेज ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा अलग से फॉर्मूला याद करने में। ये बहुत ही इजी तरीका है फॉर्मूला याद करने का और साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, आपको हमेशा क्वेश्चन को टाइम लिमिट के अंदर करना है। पेपर के अंदर आपको 1 मिनट मिलेगा एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो उससे ज़्यादा टाइम अगर आप लगाते हैं तो आपका पेपर छूट जाएगा। देखिए, अगर आपका टारगेट है कि आपको 150 प्लस स्कोर करना है, तो आपको हमेशा डेडिकेट रहना होगा इस चीज़ के लिए कि हाँ, मुझे इतना स्कोर करना है, और हमेशा क्वेश्चन को टाइम लिमिट के अंदर करिए। जितने भी क्वेश्चन आप करें उतना ही टाइम सेट कीजिए, अलार्म सेट कीजिए और उतने ही टाइम के अंदर उसे ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, और जितनी बार ना हो और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर स्टूडेंट के मन में होता है कि अगर पढ़ना ही है तो पढ़ना स्टार्ट कहाँ से करें। वैसे तो मैंने इस पे एक 4 मंथ स्टडी प्लान की वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने तीनों सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट के जो चैप्टर्स हैं उनको इजी और डिफिकल्ट और इम्पॉर्टेंट एंड नॉन इम्पॉर्टेंट कैटेगरीज में बांटा हुआ है।
अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर भी मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उनकी लिस्ट एक बार बता देती हूँ। सो सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, क्योंकि मेरा मानना ये है हमें 20% उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए जो हमें 80% रिजल्ट दें। सो पहले उन चैप्टर्स को प्रिपेयर कीजिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, उसके बाद जो चैप्टर्स रह गए हैं आप उनको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स आर फर्स्ट मोशन इन वन डायमेंशन, सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर इन मॉडर्न फिजिक्स, थर्ड सेमीकंडक्टर एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, फोर्थ ग्रेविटेशन, फिफ्थ वेव ऑप्टिक्स, सिक्स करंट इलेक्ट्रिसिटी, सेवेंथ मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, एट्थ वेव्स एंड साउंड, नाइन्थ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, टेंथ लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इलेवन रोटेशनल मोशन, ट्वेल्व रे ऑप्टिक्स, थर्टीन हीट ट्रांसफर, 14 सर्कुलर मोशन एंड 15 न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये 15 चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। सो प्लीज़ पहले इनको कीजिए और फिर आप बाकी के चैप्टर्स कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन सी बुक बेस्ट है नीट फिजिक्स के लिए। जैसा कि आप जानते हैं एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी, तीनों के लिए एनसीईआरटी तो बेस्ट है। उसके साथ साथ आप फिजिक्स में एचसी वर्मा को यूज़ कर सकते हैं, उसके अंदर थ्योरी फैक्ट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं और साथ साथ हर चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिसको करके आप अपने कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा बिल्ड कर सकते हैं। और मैं आपको एक बुक रिकमेंड करती हूँ, 32 ईयर्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक। इसके अंदर हर क्वेश्चन को टॉपिक और चैप्टर वाइज सॉल्व किया गया है, सो आपको अच्छे से समझ आएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस बुक को खरीद सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। अगर आप केमिस्ट्री और बायोलॉजी से रिलेटेड कोई वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो फिजिक्स से डरना बंद कर दें। अगर आप मेरी वीडियोस को कभी मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे ज़रूर हिट कीजिए, इससे मेरी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।